A very kind request to you, please subscribe the channel and hit the bell icon for further updates. Well, hello dear all, in this video we are going to talk about total number of vacant seats in the medical colleges. So around more than 1000 seats are still vacant, so I am going to suggest how to apply and where to apply. So guys, focus job on how to apply. जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज़्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस बनेगा आपका, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन रहेगा जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज़्यादा कम है, मतलब दो ही ऑप्शन आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास चांस बन जाएगा। सबसे ज़्यादा आप फोकस कीजिए जहाँ पे नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, दूसरा फोकस कीजिए नंबर ऑफ सीट्स जहाँ सबसे ज़्यादा कम है, क्योंकि कम रहता है तो लोगों को लगता है कि वहाँ पे अप्लाई करने जाओ या नहीं जाओ, तो ये रिस्क में रहते हैं, अकॉर्डिंगली आपका प्लान बन सकता है। सो गाइज, एक बार जाकर हम लोग वन बाई वन देख लेते हैं कौन सा सीट्स आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे हमदर्द में आप जाएंगे तो सिर्फ एक सीट से चांसेस काफ़ी टफ हो सकते हैं वहाँ पर जाना, लेकिन बात करें NRI सीट्स के अंदर, जो गुजरात का सुमनदीप मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर में 23 जो सीट्स थे वो अभी कन्वर्ट होकर NRI से आने वाला है मैनेजमेंट कोटा में। थोड़ा और पेशेंस अगर रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए जरूर चांसेस बन सकते हैं। साथ में अगर आगे और जाए तो बात करें हरियाणा के मैनेजमेंट पेड सीट की, तो वो समवेयर आपके लिए एक अच्छा चांस बनेगा, जो कि MM मौलाना इंस्टीट्यूट में है। टोटल 10 सीट्स आर स्टिल वैकेंसी। NRI सीट्स में अगर सेम कॉलेज के बारे में बात करें तो 17 सीट्स है, सो अकॉर्डिंगली ये भी एक अच्छा कॉलेज बन सकता है। अगर बात करें BLD बीजापुर की तो 11 सीट्स है अंडर द मैनेजमेंट कोटा, अंडर द NRI सीट्स 22 सीट्स, तो ये एक अच्छा कॉलेज बन सकता है आपके लिए, ठीक है। सेम वे अगर आकर डिटेल में और जाए कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला था आपको कि NRI के सीट जो है इसके अभी कन्वर्ट होने वाले जवाहरलाल के, तो वो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भी आप एक बार वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। टोटल 25 सीट्स है, तो और ये कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, और चांस होए अभी भी आने वाले डेज में ये कन्वर्ट करने वाला है, और ये पेशेंस कर रही है कॉलेज, लेकिन अब इनके NRI सीट्स कोई नहीं लेने वाले हैं, तो आप पेशेंस रखिए, जरूर मुझे उम्मीद है कि आपको चांसेस जरूर बनेंगे। सेम वे अगर बात करें JSS मेडिकल कॉलेज की, तो 4 सीट्स ओपन में और 25 सीट्स है जो NRI सीट जो कन्वर्ट होने वाले हैं। केस हेगड़े में बात करें 3 सीट्स है, अच्छा चांस बन सकता है अभी भी, और बात करें NRI सीट्स में तो 11 सीट्स हैं। अगर आगे जाए और जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे वो हो सकते हैं अंडर द SDU कोलार मैनेजमेंट कोटा सीट्स के 19 सीट्स उन्होंने अभी खाली रखे, और साथ ही 22 सीट्स रखे हैं NRI सीट्स के। तो गाइज, अगर इसके बाद अगर जाने की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा में आप कर सकते हैं सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, 33 सीट्स खाली है, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो गाइज, वही एक ऑप्शन लेके चलिए। साथ ही अदर कोई कॉलेज में अगर बात करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा चांस मुझे लगता है DY पाटिल नवी मुंबई पुणे, और ये DY पाटिल के दोनों ही कॉलेज नवी मुंबई कोल्हापुर, ये सब में काफ़ी अच्छे सीट्स खाली है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद JLN वर्धा की बात करें तो JLN वर्धा में टोटल 29 सीट्स खाली है, तो उम्मीद उस हिसाब से अपना लेके चलिए, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं कोई कॉलेज, जैसे कि अगर बात करें मुझे लगता है लोनी के जो भी NRI सीट्स वो कन्वर्ट होकर आएंगे तो चांसेस जरूर बनेगा, सो अकॉर्डिंगली प्लान बना लीजिए। सो ओवरऑल देखें इस तरह से तो टोटल 1039 सीट्स, मोर देन 1000 सीट्स है जो आपके अभी हाथ में है। साथ में कुछ तमिलनाडु के कॉलेजेस की बात करें जो कि चांसेस जहाँ पर बन सकते हैं अच्छा, वो आपके लिए रहेगा श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज जो कि 36 सीट्स है। उसके बाद अगर बात करें एक आपके लिए चांसेस बन सकते हैं जो मुझे जो लगता है वो बन सकता है VMKV मेडिकल कॉलेज में जो कि चेन्नई के है, 7 सीट्स हैं, अकॉर्डिंगली ही कुछ है।